Hello everyone, welcome back to our channel. So we are back again with a new video. Hope so you like it, and if you do, please do like, share and subscribe to our channel. कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें 1.5 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर लिया है। तेल के जलने के बाद मैं इसमें अपना खड़ा मसाला ऐड करूंगी। ऊपर से एक लाल मिर्च भी ऐड कर ली है और अब मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर दूंगी। अब मेरे बेसन को भूनते भूनते 3 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम में बेसन ने थोड़ा अपना कलर चेंज कर दिया है। अब मैं इसमें 5 टमाटर जो मैंने बारीक चॉप कर लिए थे वो ऐड कर लूँगी। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी और जीरा पाउडर। अब मैं इसको अच्छे से भून लूंगी टमाटर के गले को कवर करके लो फ्लेम। अब टमाटर को पकते पकते लो फ्लेम में 5 मिनट हो गए हैं। देखिए अच्छे से गल चुका है और अब मैं इसमें पानी जो मैंने बॉइल कर लिया था ग्रेवी के अकॉर्डिंग ऐड कर लूंगी। लो फ्लेम में बाद मेरी टमाटर की कड़ी बनकर रेडी है। थोड़ी देर में मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए मेरी शानदार सी टेस्टी टमाटर की कड़ी बन चुकी है। ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया भी चॉप करके ऐड कर लिया है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखें
अब मेरी शानदार सी टेस्टी टमाटर की कढ़ी बनकर रेडी है। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी बनती है, इसे एक बार आप अपने घर में जरूर ट्राई करें। देखिए जब दाल खाने का मन ना करे तो झटपट ये हमारी टमाटर की कढ़ी तैयार हो जाती है। इसे मैंने राइस के साथ सर्व किया है। होप सो यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विद दिस नोट अंटिल वी मीट अगेन बाय बाय टेक केयर।